हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एवी रॉक सिम। यहाँ पर दानिश लीग का एक मैच हो रहा है लिंग बी वर्सेस ऑडेंस के बीच, जो कि खेला जाएगा 10:30 बजे। एंड बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। तो बात करें अगर हम इस मैच की, तो 10:30 बजे वाला मैच है। इन दोनों टीम की रैंकिंग अगर देखी जाए लास्ट सीज़न के हिसाब से, 2023 या 2022 का कोई सीज़न था जिसमें इनका एक छोटा सा टूर्नामेंट में दोनों टीम ऐड हुई थी, जिसके अंदर ओडेंस टीम की थोड़ी अच्छी थी मतलब गेम प्ले, लिंग भी थोड़ी वीक टीम है। बट क्या है कि लिंग भी के ना कुछ गिने चुने प्लेयर बहुत अच्छे हैं, मतलब इनकी टीम के दो प्लेयर कुछ ऐसे हैं जो किसी भी सिचुएशन में किसी भी टीम को गोल कर सकते हैं। तो मैं तो उन पर ध्यान दूंगा, क्योंकि भाई हम लोगों ने तो टीम थोड़ा ना उठानी है, हम लोगों ने प्लेयर उठाने हैं। तो मैं प्लेयर्स की तरफ से मैं यहाँ पे देखूंगा। उसके बाद ऑडेंस की बात करूँ, हाँ भाई ऑडेंस तो एक डिसेंट टीम है, बट वो भी इतनी राजा टीम नहीं है। अगर दानिश लीग की कोई टॉप टीम आ गई तो इन दोनों को अकेला चबा जाएगी, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग भी टीम्स हैं दानिश लीग में। बट ये दोनों जस्ट एक वीक नॉर्मल डिसेंट, क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्राइकिंग की अगर बात करूँ, स्ट्राइकिंग सेक्शन में मैं सबसे पहले लूँगा खदरी को। बी कादरी इनका सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ऑडेंस का। ऑडेंस एक्चुअली टीम वैसे ठीक है, लेकिन इसका मेरे को एक बी कादरी का पेनल्टी टेकिंग रेशियो के साथ साथ गोल रेशियो बहुत अच्छा लगता है। पेनल्टी हर बार तो आती नहीं, लेकिन विदाउट पेनल्टी ये बंदा बहुत जेन्युइन गेम प्ले देता है। उसके बाद मैक्स फेंगर की बात करूँ तो ये खेला तो और मज़ा आएगा, मैं फेंगर को देखना चाहता हूँ एक्चुअली ना। अगर वो ना खेला तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं चाहूँ तो लूका को भी ले सकता हूँ, लेकिन अगर ये फेंगर खेला ना भाई, ये बहुत अलग लेवल का गेम प्ले हो जाएगा। उसके बाद मैं ऑपोजिशन टीम की बात करूँ तो मैं यहाँ पर लूँगा, देखिए एंद्री को, आंद्री लुकास को। बट क्या है कि गेट गैजर एक नॉर्मल प्लेयर है। उसके बाद एस आतली की बात करूँ तो वो भी जस्ट एक नॉर्मल प्लेयर है। इनके ऊपर इतना ट्रस्ट तो नहीं किया जा सकता कि मैं फेंगर को छोड़ दूँ। हाँ, अगर फेंगर ना खेला तो एक आध बदल सकते हैं हम लोग। एंड मिडफील्डिंग की बात करें, देन टी चकवानी। चकवानी इज़ एवरेज प्लेयर, इतना खास भी नहीं ना बेकार। और इनका एक प्लेयर हम लोग जो लेंगे, देखिए भाई ऑपोजिशन टीम की बात चल रही है तो आर एल हज को कैसे भूल सकते हैं भाई, जो बिना गोल करे बंदा हमें 30-40 पॉइंट दे रहा है, तो हम उसको कहाँ से भूल जाएंगे। उसके बाद एस कॉलर की अगर मैं बात करूँ तो स्वेन कॉलर इज़ अ गुड प्लेयर। स्वेन कॉलर को यहाँ पर मैं लूँगा किसकी जगह, ए मने की जगह। एक्चुअली मने को मैं यहाँ पर अपनी टीम में नहीं ले रहा। एंड लिंग बी की बात करें तो लिंग बी के और भी प्लेयर हैं, मेरे को इनका कॉर्लू ठीक लगता है। बट क्या है कि जो सिचुएशन है दोनों टीम की, ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इस टीम में चार डिफेंडर भी ले लूँ तो मुझे दिक्कत नहीं है, तो मैं चार डिफेंडर लूँगा। डिफेंडिंग की बात करें तो सबसे पहले जो हमारा प्लेयर होगा दैट वॉज स्लॉट सेगर, फिर एफ हेलेंडर, और उसके बाद ओबुसू की जगह भी मैं माइकलसन को सेव कर रहा हूँ। और ऑपोजिशन टीम में देखिए ऑप्शन बहुत है, बट मैं दो में से आपको एक राय दूंगा, या तो आप ग्रेगर को उठाओ या आप उठाओ ए बैजलैंड को, ठीक है, इन दोनों में से। अभी मैं ग्रेगर के साथ हूँ। एंड बात करें अगर हम गोल कीपिंग की, देन यहाँ पर देखिए डी जेंसन को खिला देना चाहिए, क्योंकि डी जेंसन ही है। लिंग भी का हमारे पास ऑप्शन तो है नहीं, मैं लिंग भी का ही गोल कीपर लूँगा। और अगर मैं बात करूँ कैप्टन की, तो जो हमारा कप्तान है वो कादरी है। कादरी की जगह किसी और को मत रखना, ठीक है। और वाइस कैप्टन, हाँ भाई आप जिस मर्जी रखो, क्योंकि वाइस कैप्टन का एक ऑप्शन है लुकास, दूसरा ऑप्शन है मैक्स फेंगर, तीसरा ऑप्शन है आर एल हज। लेकिन मैं इतनी कंफ्यूज नहीं करूँगा, अभी आप ना छोड़ो, अभी आप सिर्फ कैप्टन के साथ जाओ। वाइस कैप्टन हम बाद में डिसाइड करेंगे, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, इन दोनों में से किसी एक को रख लो, ठीक है। मैं बाद में डिसाइड करूँगा, क्योंकि अभी डिसाइड करना जल्दबाजी वाला काम हो जाएगा, लाइनअप्स तक रुकूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।